हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। सो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9th क्लास का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अब बारी आती है पेपर को एनालाइज करने की और ये जानने की कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, क्या आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। आज हम इस पेपर के थ्रू आज ही एनालिसिस भी देख लेते हैं। ऑल्सो हमारे हॉस्टल बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हैं, क्लासेस रनिंग हैं। ज्योमेट्री स्कूल को ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप जल्दी से जल्दी रिसीव कर पाएँ। ऑल्सो हमने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसर की अपलोड कर दी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक और रेलिवेंट आंसर्स मिलेंगे जो आपके आज क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। ओके, सो आप जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की रिगार्डिंग हिंदी भी हमने अपलोड किया है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके एंड इट्स टाइम टू अपलोड इंग्लिश। सो हमने सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सारी आंसर्स की हमने रिलीज कर दी हैं। आप देखिए, अपने आंसर्स को वेरीफाई कीजिए और मार्क्स बताइए कमेंट करके कि आपके कितना ग्रैंड टोटल आता है। This is the question first. Choose the correct option that has the right rearrangement of words to make a meaningful sentence. ठीक है, right rearrangement of words करना है आपको. Okay. So the right answer here is, let me tell you the right answer. So the right answer of this question is option number 3. The right answer is option number 3. Okay. Bread combination. Next. Choose the correct option that has the right rearrangement of words to make a meaningful sentence. So the right answer in this question is number 1. It is important to observe traffic rules. ठीक है, अब हम बात करेंगे question number 53 की. Choose the correct option to fill in the blank. The patient was dashed weak to walk without help. So the right answer here is टू। राइट आप यहाँ पे बिलिंग काउंट भी कौन राइट चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग पर्टिकुलर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। यस, the right answer of this question is in. The right answer, are you looking for anything in, क्या मतलब आप किसी में कुछ पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग बुक्स पोएम्स विद देयर ऑथर्स एंड पोएट्स। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ट्रेजर आइलैंड, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, then Swami and Friends, R. K. Narayan, Harry Potter, J. K. Rowling and the summit within we have HPS Ahluwalia. We have HPS Ahluwalia. Clear? Next question 56, choose the correct option. The mason is building the wall. ठीक है, the mason is building the wall. आपको क्या choose करना है, आपको इसका passive voice choose करना है. So अगर यहाँ पर is building होगा तो आपका passive voice क्या होगा, is being built or are being built. So the wall is being built by the mason. Repeated question, ये आपका पहले भी exam में आ चुका है. 57, choose the correct option. His dash in is in the ascendant. So the right answer of this question is universe. Right answer is universe. बेटा ascendant means होता है to rise in power. Luckily तो reject हो जाएगा. और डर क्या होगा, यूनिवर्स की ताकत बोलते हैं ना हमेशा. सो द राइट आंसर इज यूनिवर्स. आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी अटेंशन दीजिए. पहला वर्ड लिखा है राइट ऑफ आई एसेंशियल इन इज रिप्लेस, दिस इज आंसर एनर्जी.
लाइफ। चेंज द चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, रमेश एंड हिज ब्रदर आर डांसिंग वर्क, क्यों? क्योंकि हमारे प्लूरल, दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग व्हाट? प्लूरल वर्ब हियर। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई सिस्टर सैड यू लाइड टू मी, नरेशन चेंज करना है। आई टोल्ड यू, अगर आपका ये सिंपल पास्ट होता चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सो हमें हेडलाइट और हैड लाइड और द प्रीवियस डे देखना है। आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 दैट आई हैड लाइड टू हर द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अराइव्ड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब यहां से एलिमिनेशन का ऑप्शन देखिएगा, यहां पर हैज है। बोर्ड ऑफ इज मेकिंग डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ। Directors, okay. So my question number 62, RMS और सैनिक स्टूडेंट्स आपके लिए हम बैचेस लेकर आ गए हैं, कर्तव्य एंड सफलता बैच। इसको ज्वाइन कीजिए, गर्ल्स भी अलाउड है। नॉमिनल फीस हम चार्ज करेंगे मंथली। जल्दी से स्क्रीन पर नंबर गिवन है, आप उसको डायल कीजिए और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लीजिए। रैंकर्स बैच लेकर आए RIMC स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अभी भी श्योर नहीं हैं अपने रिजल्ट को लेकर, सो जल्दी से ज्योमेट्री स्कूल के रैंकर्स बैच को ज्वाइन कीजिए अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सैम इज अ डैश मैन, सो सैम इज अ हैंडसम मैन। आपको यहाँ पर क्या डालना है? एडजेक्टिव डालना है, मोस्ट सूटेबल होगा आपका हैंडसम। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 63, द डैश मैन डाइड इन द हॉस्पिटल। पास्ट है तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट वर्ब का। इंजर्ड मैन डाइड इन द हॉस्पिटल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन, द पॉजिटिव डिग्री इज व्हाट? दिस इज दिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डिड डैश सी हर पेंटिंग्स? पेंटिंग्स, डिड यू सी हर पेंटिंग्स? दिस इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं अब अपने पैसेज की। ओके, सो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, पॉज सिस्टम वॉज डिफिकल्ट फॉर द ब्लाइंड टू यूज फॉर राइटिंग। C7 का आंसर होगा इन्वेंटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, he printed letters in relief. Here the word relief means, relief का मतलब होता है in a depressed form. में थे ना तब, इसीलिए depressed form में उन्होंने letters निकाला. Give the synonym of the word invent. Invent का same होता है create. Give the antonym of the word develop. Develop एक positive, ये भी एक positive यानी the word which is decline here. So decline will be the right answer. Toppers Pro batch लेकर आए हैं सैनिक स्टूडेंट्स के लिए। आज सारी आंसर की वेरीफाई होने के बाद आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि whether you are in or out in the selection process. अगर आप out होते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप हमारे Toppers Pro batch को ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। किसी भी दिन की क्लास आपको नहीं मिस करनी है। RMS स्टूडेंट्स आपके लिए लाए हैं अचीवर्स बैच। बैच को ज्वाइन कीजिए, फैसिलिटीज लीजिए और जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक करने का डिसाइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सिनोनिम ऑफ टेक इज, टेक मतलब होता है एक्सेप्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एंटोनियम ऑफ स्टिफ इज, स्टिफ मतलब होता है समथिंग विच डज नॉट मूव। लिम्प विल बी द राइट आंसर। इसका एंटोनियम क्या होगा? लिम्प। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे आर नॉट गुड स्कूबा ड्राइवर्स। आपको यहाँ पर क्वेश्चन टैग डालना है आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपका आर आपका वर्ब है तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव होते हैं आपके डेक्लेरेटिव, सो डेक्लेरेटिव कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर आज इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, दिस इज एक्सक्लेमेट। सो दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Taj is a beautiful monument. Match the following poems. So, beta, आपका यहाँ पर right answer option number 4. Vocation written by Rabindranath Tagore. Christmas Carol written by Charles Dickens. Geography lesson written by Zulfikar Ghose. And Discovery of India written by Jawaharlal. Okay? So, this is the right answer. यहाँ होती है आपकी answer की complete. ये हमने रिलीज कर दिया आपकी इंग्लिश की 9th क्लास की आंसर की 8 जनवरी से नेक्स्ट स्कूल एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स अगर आप अभी भी लेट करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, जल्दी से जल्दी ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन की गारंटी लीजिए। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। कट ऑफ की वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं, कट ऑफ को आप चेक कर सकते हैं। पहले आपको अपने आंसर्स चेक करके अपना ग्रैंड टोटल देखना है, उसके बाद आपको देखनी है कट ऑफ की वीडियो। वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे ये भी पता चल जाए कि आपके रिलेटिव्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप क्लियर कर पा रहे हैं, आपके रिलेटिव्स नहीं कर पा रहे हैं, वट एवर। सो आप कट ऑफ देख सकते हैं, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।